डॉक्टर अरुण कुमार। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है COVID-19 लॉकडाउन के बाद वैश्विक परिदृश्य में कैसी होगी भारतीय अर्थव्यवस्था, कैसे होंगे इसमें बदलाव। COVID-19 के कारण वैश्विक स्वास्थ्य संकट भी एक अहम मुद्दा बन गया है, जिस पर गंभीरता से विचार विमर्श कर समाधान निकालना अति आवश्यक है। लॉकडाउन होने के कारण संपूर्ण देश में अधिकांश लोग अपने अपने घरों में रहकर इस महामारी से सुरक्षित रहना ही वर्तमान में सबके हित में है, और लोगों के पास भोजन, पानी, दवाइयां और अनेक बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। ये सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार के आपसी सामंजस्य से ही सार्थक हो पाया है, परंतु इस चक्र का अहम किरदार हमारे देश के अनेक मेहनती किसान हैं, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से हर तरह की फसल उगाने में सक्षम है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, और जिसके चलते आज के इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में भी घर घर में अनाज की उपलब्धता है और इंसान का जीवन सुचारू रूप से चल रहा है। एक अध्ययन बताता है कि भारत में राष्ट्रीय जरूरत का 3 गुना से अधिक खनिज अनाज का भंडार होने के बाद भी 96% प्रवासी मजदूरों को अनाज नहीं मिल पा रहा है। लॉकडाउन के चलते अनगिनत भूखे प्यासे मजदूर हजारों किलोमीटर का सफर पैदल चलकर पूरा करने का प्रयास किए। कुछ इस कार्य में सफल रहे और कुछ लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस संकट की घड़ी में लोगों ने शहरों से गांव की ओर अपना रुख किया, जिससे राज्य सरकार ने अथक प्रयास करते हुए उन्हें भोजन, पानी और शिविर का प्रबंध किया, वो प्रशंसनीय है। परंतु इस घटना से कृषि से जुड़ी अनियमितताएं सामने आई। देश को आर्थिक संकट से निकालने में कृषि से संबंधित अनियमितताओं, जैसे किसान को अनाज का सही मूल्य न मिलना, मुनाफाखोरी की दखलअंदाजी, लोन की जटिल प्रक्रिया, शिथिल आधारभूत ढांचा को दूर करने की जरूरत है। अगर इन सारी कमजोरियों को दूर कर सही दिशा निर्देश, सरकारी नीति निर्माण, आधारभूत सुविधाएं, लोन संबंधित जानकारी से देश में कृषि के योगदान को बढ़ाया जा सकेगा, जिसके लिए किसानों को हर परिस्थिति में तरह तरह की फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित करना, कम कीमतों में बीज, औजार और पानी की पूर्ण व्यवस्था करानी चाहिए। कृषि के नए नए तकनीकों के बारे में समय समय पर अवगत कराए और उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें। अधिकतर देखा गया है कि किसान अनपढ़ होते हैं, जिसके चलते उनके कार्य को न सिर्फ अपितु पूरे देश में हीन भावना से देखा गया है और देश के विकास में कमतर ही आंका गया है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। आज के युवा कृषि विषय को चुनकर बड़े अफसर के पद पर प्रतिष्ठित होना चाहते हैं और इसकी धरातली गहराइयों को नहीं समझते और ना ही खेती किसानी करने को लेकर इच्छुक रहते हैं। परंतु किसान अपना तन मन धन से हर विषम परिस्थिति में भी अच्छे फसल उगाने में प्रयासरत रहते हैं, जिसके फलस्वरूप देश की जनता को 2 वक्त का भोजन मिल पाता है। लेकिन किसानों की इस दशा को नई दिशा प्रदान की जा सकती है, जैसे फसल कटाई के बाद भंडारण के लिए, अनाज मंडियों में सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधा होना, उचित मूल्य पर अनाज खरीद बिक्री, अनाज का सुनियोजित माध्यम से वितरण कर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना। इस पूरे चक्र को कृषि आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन के माध्यम से कृषि के पूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है, जिसके माध्यम से कृषि को देश के विकास का मुख्य इकाई के रूप में सामने लाया जा सके। अगर किसान सीधे फूड प्रोसेसिंग कंपनी से संपर्क स्थापित करें, जिससे वे अपने फल, सब्जियों और अनाज को कम कीमतों में इसके लिए मुहैया करा पाए, तो अपने फसलों को खराब होने से रोक सके। इसके लिए कृषि आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन और क्रियान्वयन की आवश्यकता होगी। कृषि के साथ साथ और कई विकल्प हैं, जैसे मछली पालन, पशुपालन, मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन है, जो युवाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने में काफी सहायक होगा, जिससे वो न सिर्फ देश में कृषि का विकास विस्तार करेंगे अपितु अनेक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। लॉकडाउन के बाद एक और चुनौती सामने आएगी, वो है युवाओं की बेरोजगारी, जिससे निपटने के लिए युवा वर्ग स्वयं ही सक्षम है। वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अनेक स्टार्टअप संबंधी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से
युवाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी प्रदान करता है। आजकल के युवाओं के पास नए नए बिजनेस आइडियाज होते हैं, परंतु पूंजी के अभाव में उनके पूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, जिसके तहत डिजिटल भारत का निर्माण संभव हुआ है। यह सरकारी विभागों और भारतीय लोगों के साथ लाने का माध्यम है, जिससे लोगों को घर बैठे हुए ही सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना, पैसे से संबंधित लेन देन करना आदि शामिल है। सूचना तकनीक के विकास से छोटे बड़े उद्योग, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सभी जगह ऑनलाइन माध्यम से कार्य किया जाता है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है और इसका सकारात्मक प्रभाव उत्पादकता एवं गुणवत्ता पर भी निर्भर होता है। आज हर उपभोक्ता ई कॉमर्स और ई कॉमर्स कंपनी से ऑनलाइन अपने दैनिक जीवन का लगभग अधिकांश सामान मंगवाते हैं और घर बैठे सुविधाओं का आनंद लेते हैं। ऑनलाइन सामान बेचने वाली ये कंपनियां सीधे उत्पादक से खरीदकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, जिससे इन्हें काफी मुनाफा होता है। आज हर कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए हर तरह के सामान, जैसे कपड़े, जूते, बर्तन, खाने पीने के खाद्य पदार्थ, खिलौने घर तक पहुंचा रही है। इसके साथ ही खाना घर घर पहुंचाने के लिए मोबाइल ऐप से ऑर्डर लेकर उपभोक्ता को मुहैया कराते हैं। ये कंपनियां अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकांश युवाओं को नौकरी देती है, जिसमें काफी हद तक बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। हमारे देश में होटल और रेस्टोरेंट हर छोटे बड़े शहरों में स्थित है और समाज के अधिकांश लोग यहाँ खाना पीना पसंद करते हैं और ये उनकी दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। पर आज की विषम परिस्थिति में ये संभव नहीं है, जिसके चलते इस क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों ने होम डिलीवरी सुविधा शुरू की। प्राइवेट कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम का नया कल्चर शुरू किया, जिससे युवा अपने कार्य घर पर ही रहकर कार्य कर सके और कंपनी का कार्य सुचारू रूप से हो सके। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम कल्चर से आज के युवा अपनी पहचान बना पाएंगे और कंपनी के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे, जो अंततः देश के विकास का सहयोग देगा। हमारे देश में उत्पादन संबंधी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो केवल शहरों में ही उत्पाद को बेचती है, लेकिन लॉकडाउन के बाद ये कंपनियां शहरों के साथ साथ गांव की ओर रुख करें, जिससे इन्हें अपने सामान को बेचने के लिए सही बाजार, नए उपभोक्ता आसानी से मिल जाएंगे। और ये कंपनी की नीतियों पर निर्भर करता है कि वे इन नए अवसरों में कितना लाभ ले सकते हैं। विश्व के विकसित देशों में रिटेल सुपर बाजार से घरेलू सामान खरीदने का चलन है। भारत में भी वैश्वीकरण के प्रभाव से कई देशी और विदेशी कंपनी के रिटेल मॉल और सुपर बाजार व्यापक रूप से छोटे और बड़े शहरों में फैले हुए हैं। उपभोक्ता को भी एक छत के नीचे सारा सामान उपलब्ध होने से सुपर बाजार से खरीदारी करना पहली पसंद है। लॉकडाउन के कारण सभी रिटेल मॉल्स बंद होने से यहाँ व्यापारियों को काफी परेशानी आ रही है, लेकिन वे इस दौरान अगर अपने उत्पादों को बेचने के लिए अपने कस्टमर्स को होम डिलीवरी की सुविधा दें, जिससे उसके बिक्री में आई गिरावट को रोका जा सके। लेकिन अभी यह स्थिति भी भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यह क्षेत्र विदेशी निवेश पर निर्भर थी। सर्विस सेक्टर में भी काफी बदलाव आए हैं। आजकल बैंकिंग संबंधी लेन देन ऑनलाइन माध्यम से किए जाते हैं, जिससे कस्टमर्स के समय की बचत होती है और वे पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर कार्य कर सकते हैं। अब वो दिन गए जब छोटे छोटे लेन देन के लिए बैंक में जाकर लंबी कतार में रहकर काम कराया करते थे और बैंकिंग की जटिलताओं से होकर गुजरना पड़ता था। लॉकडाउन के दौरान भी बैंक अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही है और अपने कस्टमर्स को हर संभव अच्छी सर्विसेज प्रदान कर रही है, जिससे उनके कस्टमर्स संतुष्ट हो और उनकी मार्केट में अच्छी छवि बनी रहे। भारतीय शिक्षा प्रणाली पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है। शिक्षा से संबंधित क्षेत्र भी इस वैश्विक महामारी से अछूता नहीं है। जहां लॉकडाउन के चलते स्कूल और कॉलेजों को पूरी तरह से बंद किया गया है, परंतु शिक्षा प्रदान करने के कई नए विकल्प सामने आए हैं। जैसे शिक्षक घर पर ही रहकर अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करा रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, जिससे प्रमुख रूप से ऑनलाइन वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन नोट्स प्रदान करना, प्रमुख साइट्स और मोबाइल ऐप जैसे गूगल क्लासरूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम वेबिनार, कॉन्फ्रेंसिंग है। शिक्षा प्रदान करने के ये नए विकल्प युवाओं को बेहतर रोजगार दिला सकते हैं।
साथ ही भविष्य में स्वयं का व्यवसाय भी ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ई लर्निंग के क्षेत्र में बहुत अवसर है और आगे चलकर ये देश युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान करेगा। सूचना तकनीकी के प्रभाव ने बैंकिंग कार्य को बहुत आसान बनाया है। आजकल मोबाइल के माध्यम से भी पैसों से संबंधित सारे लेन देन संभव हैं। अब दूर बैठे अपने बच्चे और रिश्तेदारों को मिनटों में पैसों का लेन देन घर बैठे ही हो जाता है। हमारे देश में अनेक प्रकार के उद्योग और उनसे जुड़े व्यवसाय हैं, जो लॉकडाउन के बाद भी सुचारू रूप से कार्य करके देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देंगे। जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर कंपनी, फूड प्रोसेसिंग कंपनी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टेक्सटाइल्स, मेडिसिन, ये कंपनी ऑनलाइन ऑर्डर से लोगों को घर पहुंचे सेवा प्रदान करेगी, जिससे ये कंपनियां मुनाफे में रहेगी और अपना बिजनेस सुचारू रूप से चला पाएंगी। लॉकडाउन के कारण ऑटोमोबाइल सेक्टर में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन सरकार ने इन कंपनियों को अपने उत्पाद बेचने के लिए ऑनलाइन माध्यम का रास्ता सुझाया है, जिससे ऑटोमोबाइल डीलर सीधे उपभोक्ता से संपर्क कर उसके सारे सवालों का जवाब दे पाएंगे और उनके संदेह को दूर कर सकेंगे। कोरोना वायरस के प्रकोप से हमारे देश के लोग भी प्रभावित हुए हैं, पर सही मेडिकल सुविधाएं और सही समय पर लॉकडाउन होने के चलते इस परेशानी का समाधान करने का प्रयास जारी है। लेकिन भविष्य में भारत में पब्लिक हेल्थ सेंटर की संख्या को ना केवल बढ़ाना है, बल्कि अत्याधुनिक मेडिकल तकनीक से लैस हॉस्पिटल का निर्माण करना होगा, जिसके लिए सरकार को इस दिशा में फंड निवेश करना होगा। वर्तमान में कोरोना से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर जांच और इलाज आवश्यक है, पर भारत में स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है। भारत का इतिहास, संस्कृति और प्रसिद्ध स्थान, मंदिर, इमारतें इत्यादि भारत के पर्यटन का अभिन्न हिस्सा है, जिसमें भी काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। पहले देश विदेश से पर्यटक सैलानी भारत के विभिन्न स्थानों पर यात्रा करते थे, जिससे यहाँ के होटल्स, रिसोर्ट्स, स्थानीय निवासियों का भरण पोषण होता चला आ रहा था। लेकिन लॉकडाउन के बाद पर्यटन में कमी आएगी, जिससे स्थानीय लोगों को नुकसान होगा। लेकिन स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी और देश विदेश के सैलानियों के आने से पर्यटन के क्षेत्र में फिर से गति आएगी और विकास होगा। भारत के कई विकसित और विकासशील देशों के साथ व्यापार, ऊर्जा, उत्पादों के आयात निर्यात जैसे कई क्षेत्रों में जुड़े रहने के कारण अर्थव्यवस्था बहुत ही व्यापक रूप से केवल प्रभावित हुई है। हमारी अर्थव्यवस्था को संभलने में कुछ समय जरूर लगेगा, परंतु धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर आकर फिर से तेज गति में आगे बढ़ेगी और विश्व में नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। इस वैश्विक महामारी से निपटने के बाद देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए देश के हर नागरिक को सामने आना चाहिए और भारत को इस आर्थिक संकट से बाहर निकालकर नए भारत के निर्माण की ओर अग्रसर रहेंगे। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।